छवि बिगाड़ने का प्रयास किया है। महाराजा सूरजमल एक बहुत ही बड़े सम्राट हुए हैं और जाटों के विशेष तौर पर बहुत बड़े ही राजा हुए हैं, और महाराजा सूरजमल की ये छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल गलत है। फोगाट खाप 19 इसका विरोध करती है, और कल सुबह 10:30 बजे हमने फोगाट खाप 19 के खाप के पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। यदि समय रहते सरकार इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेती है तो फोगाट खाप 19 इस एक आंदोलन करने पर मजबूर होगी, और उसमें जो भी नुकसान होगा उसकी स्वयं सरकार जिम्मेवार होगी। जो फिल्म निर्माता हैं उनका एक ट्रेड चल रहा है ऐतिहासिक फिल्में बनाने का। अब अभी अभी पानीपत बनाई है जिसमें मराठों का अब्दुल्ला साहब अब्दाली का लड़ाई दिखाई गई है, उसमें भी सूरजमल जो बहुत ही वीर योद्धा हुए हैं उनकी गलत छवि पेश की गई है। जाटू ने और सूरजमल जी ने हमेशा बहादुरी से काम किया, और लड़ाई के बाद भी जब मराठा हार गए तो हारे हुए मराठों को भी सूरजमल जी ने संरक्षण दिया, उनका रहन सहन का प्रबंध किया, घायलों का इलाज करवाया। ये इतिहास, ये फिल्म निर्माता ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अपने फायदे के लिए, किस प्रकार से फिल्म चले, किस प्रकार से दिखाया जाए, इन बातों को लेकर समाज में रोष है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म निर्माता इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे इतिहास में हमारे हीरो रहे, चाहे किसी क्षेत्र के रहे हों, चाहे वो लड़ाई के मैदान के रहे हों, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र के रहे हों, चाहे वो समाज सुधारक रहे हों, उनकी छवि जिस प्रकार की उनकी रही है, जिन प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली रही है, उन्हीं के अनुसार वो अपने फिल्म में उनका रोल अदा करें, उनकी भूमिका दिखाएं। सूरजमल जी के प्रति केवल जाट समाज ही नहीं, सारा हिंदू समाज श्रद्धा से देखता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस फिल्म में परिवर्तन करवाए, वरना जाट समाज और सारा हिंदू समाज आंदोलन करने के लिए इसके लिए मजबूर होगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वरना इस फिल्म को रोककर उस सूरजमल जी की जो भूमिका है, उसका जिस प्रकार का उनका कार्य क्षेत्र रहा है, जिस प्रकार की उनकी वीरता रही है, उसके अनुरूप उनकी फिल्म के अंदर भूमिका दिखाएं, मैं तो यही मांग करता हूँ सरकार।